वेलकम टू स्टाइल 360. आई होप दैट यू आर डूइंग वेल. मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें शेयर करूंगी जो इश्यूज बहुत कॉमन चलते रहते हैं. आज मैं आपसे दो स्पेसिफिक चीज़ों की बात करूंगी. एक तो स्किन ब्राइटनिंग मास्क, यानी जब स्किन में दाग धब्बे होते हैं या स्किन अनबैलेंस्ड होती है तो हमारी विश यही होती है कि हम अपनी स्किन को किसी तरह ब्राइटन करें. देखिए, हमारे यहाँ बहुत इशू है कि कॉम्प्लेक्शन का मोस्टली लोग चाहते हैं कि वो गोरे हो जाएं, और वाइट कॉम्प्लेक्शन को ब्यूटी का सिंबल भी समझा जाता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग. आपका जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है उसी में रहते हुए स्किन को हेल्दी रखना इज एवरीथिंग. जो लोग वाइट स्किन चाहते हैं उनको मैं ये बता दूँ कि स्किन को बैलेंस में ला सकते हैं, स्किन की टोन को, लेकिन वाइट स्किन का ये मतलब नहीं है कि आपकी स्किन हेल्दी है या खूबसूरत है. अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटन कर लें और उसकी टोन को अच्छा कर लें तो क्या ही बात है. उसी तरह एक इशू ब्लैक हेड्स का भी है. स्पेसिफिकली आपके नोज़ एरिया में ये इशू बहुत रहता है. इस पोर्शन में बहुत से लोगों को ब्लैक हेड्स होते हैं, मेरे भी हो जाते हैं, और बहुत इरिटेट भी करते हैं. और उनको निकालने के लिए जो हम एक गैजेट जैसा होता है उसको दबा के उससे निकालते हैं, और उससे अक्सर नाक में निशान रह जाते हैं जो कि आपके पोर्स परमानेंटली डैमेज कर देता है. मैं आप सबसे पहले ये आपसे शेयर करूँगी स्किन ब्राइटनिंग मास्क. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, और उन चीज़ों के साथ है जो आपके घर में किचन में अवेलेबल होती हैं. मास्क के लिए आपने एक टेबल स्पून में 2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करना है. इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और पेस्ट बना लें. बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं रखना बल्कि थिक कंसिस्टेंसी रखनी है. कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जो एक नॉर्मल सा पेस्ट बन जाए. अब ये पेस्ट आपने अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करें. अंडर आई पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो डार्क एरिया अंडर आई का जो है वो उसको भी रिकवर करता है, उसको बेहतर करता है. और आँखें बंद करके आराम से 10 से 15 मिनट के लिए लेट जाएँ, और इस मास्क से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एक्चुअली बेकिंग सोडा में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे स्किन ब्राइट होती है, और अगर इसी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल लें तो आपको मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा. लेमन जो है वो एसिडिक होता है, और हर बंदे की स्किन को एसिडिक चीज़ें सूट नहीं करती, सो बी केयरफुल. इस मास्क को आप वंस अ वीक लाजमी यूज़ करें, और पूरे फेस और नेक एरिया को कवर करें विद दिस मिक्सचर. और ये बहुत ही अच्छा मास्क है हैंड्स एंड फीट्स के लिए भी. अगर आपके हाथ और पांव डार्क हैं या टोन ऑफ हुई हुई है तो ये स्किन ब्राइटनिंग मास्क विद बेकिंग सोडा एंड वाटर इज़ परफेक्ट. तो अब मैं ज़रा ब्लैक हेड्स की तरफ आती हूँ. ब्लैक हेड्स एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे भी नहीं लगते, और बहुत सारे लोगों को एम्बेरसमेंट होती है जब उनके ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, और वो ब्लैक डॉट स्किन पे बहुत वियर्ड लगते हैं. उसी तरह जिस तरह एक्नी लोगों को बहुत इरिटेट करती है, वैसे ही ब्लैक हेड्स भी करते हैं. अब ब्लैक हेड्स है क्या? ये एक हेड सा बन जाता है पोर्स के ऊपर, जिसके अंदर डस्ट या सिबम होता है या स्किन के ऑयल्स जमा हो जाते हैं. लोग इसे दबा कर निकालते हैं, ये हेड निकल जाए, लेकिन जब आपकी स्किन के साथ आप ये खींचातानी करते हैं, ये ज़्यादती करते हैं, तो स्किन भी बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करती है. अब ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए मैं एक पेस्ट बताऊंगी. उसके लिए आपको आपने इक्वल अमाउंट में सबसे पहले बेकिंग सोडा लेना है. इक्वल अमाउंट में यानी अगर आपने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून आप उसमें टूथपेस्ट ऐड करेंगे, और फिर आप उसमें 1 चम्मच पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. अब इसको लगाने का तरीका या प्रोसीजर जो है वो ज़रा डिफरेंट है. उसके लिए आपको कोई भी नॉर्मल सा ब्रश लेंगे जो आपकी जॉब स्किन पे यूज़ करें, सॉफ्ट ब्रश, उससे आप इस मास्क को लगाएंगे. आप पहले तो आप ये थिक पेस्ट बना लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे. अगर पेस्ट और ये पेस्ट जो है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए. अब इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने एक टॉवल लिया, उसको इतने गर्म पानी में डाला जो आपकी स्किन बर्दाश्त कर ले, और जब टॉवल अच्छे से वार्म हो जाए तो आपने उसको निकाल के निचोड़ लिया, और उस टॉवल को अपने फेस उस एरिया पे रख दिया जहाँ ब्लैक हेड इशू है. सपोज़ कि अगर आपको नोज़ पे इशू है, मोस्ट लोगों को यहीं पे होता है, तो आप यहाँ पर रख लें. 1 मिनट के लिए आपने वो टॉवल वहीं छोड़ दिया, फिर उस टॉवल को हटाएं, और जो पेस्ट ब्लैक हेड्स के लिए आपने बनाई है वो पेस्ट आप अपने नोज़ पे अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद 1 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में विद योर फिंगर आपने मसाज करना है.
ये करने के बाद आपने इस मिक्सचर को 3 to 5 minutes नोज़ पर छोड़ देना है। जहाँ भी ब्लैक हेड्स हैं वहाँ आप ये मिक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल चीक्स को अवॉइड करना है क्योंकि चीक्स पर इससे दाने निकल आते हैं। और इसके ड्राई होने के बाद फिर आपने गर्म टॉवल लेना है, उसको वॉश करके फिर आपने इस पेस्ट को वाइप ऑफ कर देना है। सो गाइस, फेस के जो टी जोन एरिया है आप उस पर ये मास्क यूज़ कर सकते हैं और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। इससे स्किन पे थोड़ी सी टिम्बलिंग होती है तो आप परेशान नहीं होना, इट्स फाइन, क्योंकि टूथपेस्ट में जो है वो मिंट होता है, दैट्स वाई टिम्बलिंग होती है। सो स्किन के साथ जंग करके ब्लैक हेड्स निकालने से बेहतर है कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, पर प्रोसीजर ठीक यूज़ करना है। और हाँ, स्किन का पैच टेस्ट ज़रूर करें क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और कुछ भी अप्लाई करने से पहले आप थोड़ी सी अमाउंट जो है वो उसकी फेस के किसी भी हिस्से पे लगा के देख लें, फिर उसके बाद फुल फेस पे अप्लाई करें क्योंकि समटाइम्स एलर्जी का इशू भी हो जाता है। सो गाइज, ये थी आज की टिप्स। आई होप दैट यू विल लाइक इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।